चलिए आज हम देखते हैं एमपी सॉरी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो एसएससी हो, पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या अन्य कोई एग्जाम्स हैं जिनमें अधिकांशतः ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार हम 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से अपने श्रृंखला को जारी रखे हुए हैं और आगे भी हम आप तक इस प्रकार की वीडियो पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के शहरों की गलियां थी, किस प्रकार की गलियां थी वहां की। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाता है, लंबी थी, सकड़ी थी, चौड़ी थी। तो इसका आंसर है कि सिंधु घाटी की जो गलियां थी, शहरों की गलियां थी, वो चौड़ी और सीधी थी। अगला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो इसके जो खंडर है वो रावी और सिंध नदी पर पाए जाते हैं। अगला है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग के जो था वो तो चंद्रोदड़ो, ये जो है कि एकमात्र ऐसा नगर था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है या कौन सा था, तो वो है धान्यागार, ये सबसे बड़ा भवन था। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, तो विशाल जो स्नानागार मिला था वो था मोहनजोदड़ो में, जिससे कहीं ना कहीं उसकी सभ्यता की बात का पता भी चला था स्नानागार से ही। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो वो है लोथल, ये उसका पतन नगर है। सिंधु अर्थव्यवस्था की तलाश थी, तो सॉरी गलत बोल दिया मैं, ताकत थी वो है कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आय स्रोत था वो कृषि था और उस समय के लोग जो है कि कृषि पर ही डिपेंड थे। वैदिक कार्यों का प्रमुख, ये गलत हो गया है, भजन भोजन था, तो वैदिक कार्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और उसके उत्पाद, क्योंकि तो आर्य कहीं ना कहीं दूध का सेवन करते थे और ये जो है कि जो है कि ये मांसाहार और इन चीज़ों से दूर रहते थे, वैदिक रीति रिवाजों में ये विश्वास रखते थे। तो इनका मुख्य उत्पाद दूध और उससे बने उत्पादित हैं मुख्य भोजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला वाले अन्न में था, तो सबसे पहला जो अन्न था वो है जो, जो का सेवन किया करते थे पहले मनुष्य। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेद का क्या अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति वेद का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, उसका कारण था उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो पूर्व के में जो संघर्ष रहे उनमें सफल रहे थे। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी, पूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी वैदिक काल में, तो उसका है व्यवसाय, व्यवसाय पर ये आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो पहले जाति कहने वाला यूरोपियन था मैक्स मुलर विद्वान, इसने आर्यों को एक जाति कहा था। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, तो वो है सप्त सिंधु, यहाँ पर आर्यन की प्राचीनतम बस्ती कहा जाता है इसे। अगला है, कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है, तो सरदार का जो शामिल होता है वो समिति और सभा, उसका आयोजन होता है और फिर वहीं पर सरदार का चयन किया जाता है कि किसे सरदार नियुक्त किया।
भिक्षु ने अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए और उसके शिष्य के नाम को आगे बढ़ाने के लिए उसके नाम के आगे जबरदस्ती महान लगाया। और अरस्तु को भी हम महान कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अरस्तु को एक बड़ा बहुत बड़ा समाजवादी कह रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी न होकर के इतिहास को तोड़ने वाला एक दुर्योधन था, जिसने अच्छे इतिहास को ख़त्म करके उसका इतिहास खुद का बनाया और उसको प्रसिद्ध किया। और सिकंदर जो अलेक्जेंडर था उसका नाम भी मुकद्दर का सिकंदर करके उसको फेमस किया, प्रसिद्ध किया। चलिए एनीवे हम आगे बढ़ते हैं, तो वो था अरस्तु। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो इसके लिए संस्कृत का प्रयोग किया था। और संस्कृत एक महान भाषा है और प्राचीन भाषा के रूप में भी संस्कृत है। हेरोडोट को माना जाता है, तो इतिहास का जनक जो है कि हेरोडोट को माना जाता है। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो जो सिकंदर ने पहले जो लड़ाई लड़ी थी वो था हाइडेपिज में या झेलम का युद्ध, जिसे कहता है झेलम नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर हारा भी गया था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, तो यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है वो मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था, तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद बैठा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो यूनानियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो तक्षशिला में अशांति थी, कहीं ना कहीं वो इस नीतियों से अप्रभावित थे कुछ, और इसीलिए अशांति का कारण भी बने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेला में जो है कि जो कर्नाटक में है, और यहाँ पर उन्होंने अंतिम दिन गुजारे थे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया, तो इसका तो बहुत सीधा साधा है, क्योंकि अशोक का अधिक परिवर्तन हुआ था और वही इसका आंसर भी है, कलिंग युद्ध के बाद। दीवान प्री के नाम से कौन विख्यात है, तो अशोक इसके लिए विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो वो है मेगस्थनीज, जो कि मंत्री था सिकंदर का या अलेक्जेंडर का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया, अशोक ने जो है कि उपगुप्त से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे, तो वो थे चंद्रगुप्त के समय। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो वो कौटिल्य चाणक्य जिसे कह दें, और उनका सही नाम था विष्णुगुप्त। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए या उभरे हुए या उकेरे गए हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया, तो मौर्य वंश के तत्काल बाद जो शासक था वो था सुंग वंश, इसने मगध पर राज्य किया। साथियों अगले हम 50 क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।